स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट सैम्बल, के सैम्बल कैसे लिखते हैं और सैम्बल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सैम्बल इज़ एन एब्रीविएशन टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के नाम की रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसको जाहिर किया जाता है, उसको सैम्बल कहा जाता है। अ सैम्बल इज़ टेकन फ्रॉम द नेम डेट एलिमेंट्स फ्रॉम इंग्लिश। नाम से ही सैम्बल लिया जाता है, अलामत ली जाती है, जो कि इंग्लिश में हो, लतीन में हो, ग्रीक में हो या जर्मन में हो। सैम्बल्स आर यूजुअली वन और टू लेटर लॉन्ग। सैम्बल्स जो है एक या दो लेटर लंबा हो सकता है। इवन सैम्बल स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एस कार्बन विद सी और सल्फर एस एस। इफ सैम्बल इज सेकेंड लेटर देन स्टार्ट विद कैपिटल एंड सेकेंड विल बी इन स्मॉल लेटर। अगर सैम्बल जो है वो दो लेटर पर मुश्तमिल हो तो पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होगा और जो दूसरा लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा। एज ए एच ई ही फॉर हीलियम, एन ए फॉर सोडियम, सी आर फॉर क्रोमियम। यू लुक दिस, कार्बन के लिए सिक्स है, सल्फर एस है, हीलियम। The symbol of 30 elements in English derived from Latin, Greek and German are given in table. Symbol of first 30 elements, 30 शुरू के 30 elements का symbol दिया है। Hydrogen जो कि English name है, Latin और Greek से derive हुआ है। Greek में root genes कहते हैं, H से represent करते हैं। Symbol ये है, helium का HE है, lithium का Li है, beryllium का BE है, boron का B है, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ, नियोन एन ई, सोडियम एन ए, एन ए जो कि लैटिन नेम है, नाइट्रियम कहते हैं इसे हम। ठीक है, इसके बाद मैग्नीशियम है, एम जी है, अल्मोनियम ए एल है, सिलिकॉन एस आई, फास्फोरस पी, सल्फर एस, फ्लोरीन सी एल, आर्गन ए आर, पोटाशियम के, कैल्शियम सी एस, कैंडियम एस सी, टाइटेनियम टी आई, वेनेडियम वी, क्रोमियम सी आर, मैगनीज एम एन, आयरन एफ ई, लैटिन नेम इसका फेरम है। इसी तरह कोबाल्ट है, कोबाल्ट को सी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, सैम्बल है। निकिल है, यहाँ पर देखें निकिल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ठीक है, जर्मन नेम इसका होता है कोपा निकिल, कोपा निकिल है, एन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपर है सी यू, ठीक है, जिंक है जेड एन, जर्मन वर्ड है जिंक का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वैलेंसी के बारे में। व्हाट इज़ वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, एक अनासिर की मिलापी कुव्वत, मिलापी कुव्वत यानी कि जुड़ने की ताकत विद अदर एलिमेंट दूसरे अनासिर के साथ, ये वैलेंसी कहलाती है। द वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन गेन, लॉस और शेयर। ठीक है, सम एलिमेंट्स विद देयर सैम्बल एंड कॉमन वैलेंसीज आर गिवन बिलू इन टेबल 1.4। अब द वैलेंसी डिपेंड्स करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, इलेक्ट्रॉन की तादाद पर डिपेंड करती है, निसार करती है जो कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो उस एलिमेंट की, एटम की क्या होती है, वैलेंसी होती है, वो पावर होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम के वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन है और वो डोनेट करता है तो प्लस वन चार्ज उस पर आ जाता है। इसी तरह ग्रुप वन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ग्रुप वन एक एलिमेंट्स है, सब में प्लस वन चार्ज आता है और सब कैटाइन बनाते हैं। ठीक है, उसकी वैलेंसी क्या होती है, प्लस वन होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि कुछ एटम होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उसके नतीजे में उनके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है। अगर डोनेट करें तो कैटाइन प्लस वन चार्ज, अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो प्लस वन चार्ज आता है, अगर दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते तो प्लस टू चार्ज आ जाएगा, तीन करेंगे तो प्लस थ्री आ जाएगा। और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस वन चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस टू, अगर तीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो एलिमेंट या वो एटम तो वो उसके ऊपर माइनस थ्री चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कुछ अनासिर ऐसे हैं जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, वैलेंसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल फास्फोरस है, फास्फोरस प्लस टू, प्लस थ्री माइनस थ्री, सल्फर है प्लस टू माइनस टू, दोनों शो करता है, क्लोरीन है प्लस वन माइनस वन, दोनों शो करता है। इसी तरह हाइड्रोजन है माइनस वन और
प्लस वन दोनों शो करता है। हाइड्रोजन जब सोडियम ग्रुप वन है अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो एज अ हाइड्राइड के तौर पर सोडियम हाइड्राइड, तो हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो माइनस चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला कीमियाई फार्मूला है रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ये अनासिर की अलामत को जाहिर करता है। कीमियाई फार्मूला उसके अनासिर के दरमियान में रेशो तनासुब है टू वन अनदर, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जो रेशो है तनासुब है, ठीक है, उसको भी कंपाउंड के अंदर उसको भी जाहिर करता है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला टेल्स अस नंबर ऑफ एटम्स। केमिकल फार्मूला हमें नंबर ऑफ एटम्स, एटमों की तादाद बताता है, ठीक है, ऑफ ईच एलिमेंट हर अनासिर की इन अ कंपाउंड, मुरक्कब में मौजूद हर अनासिर के एटमों की तादाद केमिकल फार्मूला बताता है सैंपल के साथ। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। केमिकल फार्मूला पानी का जो केमिकल फार्मूला है H2O है, विच इंडिकेट्स दैट, ये बता रहा है, ये इशारा दे रहा है जो कि हाइड्रोजन के दो एटम्स मौजूद हैं पानी के अंदर और ऑक्सीजन का एटम, एक एटम मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी तरह केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया, अमोनिया जो केमिकल फार्मूला है NH3 शोज दैट वन नाइट्रोजन एटम कम्बाइंस विद थ्री एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, के नाइट्रोजन के तीन एटम्स नाइट्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के तीन एटम्स के साथ मिलकर क्या करता है, अमोनिया का केमिकल फार्मूला बनाता है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। व्हाट इज़ कंपाउंड? कंपाउंड मरकबात क्या होते हैं? द कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा अनासिर जब आपस में केमिकली बॉन्डेड हों, कीमियाई तौर पर बॉन्डेड हों, जुड़े हों इन अ फिक्स रेशो, एक खास रेशो में, फिक्स रेशो तनासुब में मास के लिहाज से, एज अ रिजल्ट उसके नतीजे में अ न्यू इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उसके नतीजे में एक नया इंटायरली मुख्तलिफ खसूसियात रखने वाला सब्सटेंस बनता है। द टाइप ऑफ बॉन्ड्स होल्डिंग एलिमेंट्स मे बी आयनिक बॉन्ड्स, और उस किस्म के बॉन्ड्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटाशियम ब्रोमाइड, ये सारे क्या हैं, आयनिक कंपाउंड हैं। इसी तरह वाटर CH4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये सारे क्या हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब वाटर जो है H2O, इसका फार्मूला होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि सैंड, मट्टी का, रेत का फार्मूला है। SiO2 इसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कॉस्टिक सोडा, कॉमनली नॉन एज कॉस्टिक सोडा, इसका आम नाम कॉस्टिक सोडा है, NaOH फार्मूला है। सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट NaCl, सोडियम कार्बोनेट जिसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है Na2CO3.10H moles ऑफ वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन जिसे चूने का पत्थर कहा जाता है CaCO3, शुगर है C12H22O11, अमोनिया है NH3 है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मिक्सचर के बारे में। व्हाट इज़ मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? वन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, जब दो या दो से ज़्यादा अनासिर या कंपाउंड फिजिकली कंबाइंड हो, क्या हो, फिजिकली कंबाइंड हो, तबई तौर पर जुड़े हों विदाउट एनी फिक्स रेशो, उसका रेशो फिक्स ना हो, वो इज़ नॉन एज मिक्सचर, वो मिक्सचर कहलाता है। द कंपोनेंट सब्सटेंस रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिक्सचर यानी कि कीमियाई प्रॉपर्टीज़ उनकी अपनी अपनी होती है, वो चेंज नहीं होती, वो तब्दील नहीं होती। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, मिक्सचर जो होते हैं वो अलहदा किए जा सकते हैं, अगेन बाय फिजिकल मेथड, दोबारा फिजिकल मेथड से। कौन से फिजिकल मेथड होते हैं? फिल्ट्रेशन है, एवेपरेशन है, डिस्टिलेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मिक्सचर, दो मेन किस्म के फिक्स मिक्सचर्स हैं विच आर शोन इन फिगर 1.5। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है, हेटरोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑल द सब्सटेंस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर, सॉल्ट, वाटर, एयर, ब्लड। ठीक है, सॉल्ट वाटर उसमें क्या होते हैं, नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं, नमक के जो सोडियम क्लोराइड के जो सॉल्यूट होते हैं वो सॉल्वेंट के अंदर कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, वाटर, एयर है, हवा है, ब्लड है। फॉर एग्जाम्पल इन अ हाइड्रोजीनियस मिक्सचर, इसी तरह हाइड्रोजीनियस मिक्सचर द सब्सटेंस आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, चॉकलेट चिप, कुकीज़ है, पिज्ज़ा है, रॉक्स है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर जो कि हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर कोई गलती है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट कीजिए,
ताकि मैं अपनी वीडियो की अपनी नॉलेज की इस्लाह कर सकूँ। थैंक यू।